नेतृत्व के साथ में है, जिन्होंने राष्ट्रवाद की बात की, जिन्होंने गरीबों की चिंता की, जिन्होंने युवाओं के भविष्य की चिंता की, जिन्होंने महिलाओं की चिंता की, और इन सभी चीजों के साथ साथ संगठन उनके साथ बराबरी से खड़ा रहा है। ये जीत इस बात का द्योतक है कि लोगों को आशा थी तो एक दमदार व्यक्तित्व से थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से थी, और इस दमदार व्यक्तित्व के साथ ही देश ये मानता था कि अगर कुछ मुमकिन है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुमकिन है। राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो उस पर भी उन्हें लगता था कि हमें सुरक्षा चाहिए, तो ये सुरक्षा अगर कोई दे सकता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। इस तमाम विषयों के साथ में मुझे आज का ये जनादेश जो अब आंधी में तब्दील हो गया है आपको भी दिखाई दे रहा है। अब केवल जाति की राजनीति से और केवल हम लच्छेदारों बातों से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इस बात को स्पष्ट करो जी, कांग्रेस का पैनल हमारे साथ में लगातार सुबह से बना हुआ है। कांग्रेस का सिर्फ यहाँ पर एक ही कहना है कि छद्म राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, झूठ का भ्रम मोदी जी ने फैलाया गया और देश की जनता भावनाओं में बह गई, इसलिए आप लोगों को बहुमत मिल गया। क्या कहेंगे आप? मैं कांग्रेस पार्टी को ये बात कहना चाहती हूँ कि उनको विचार करना चाहिए। उन्होंने नकारात्मक राजनीति की शुरुआत करी, अगर हमने सकारात्मक बातों को जनता के बीच में रखने की शुरुआत करी तो उन्होंने लगातार केवल आरोप लगाया, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हो, चाहे वो चौकीदार चोर कहने की बात हो, या फिर वहां के बदलापुर की राजनीति हो, जहां छत्तीसगढ़ की बात अगर आप करेंगे तो ये तमाम नकारात्मक राजनीति का भी परिणाम है। जब भी उन्होंने परिस्थितियों को देखा तो नकारात्मक तौर पर, लोकतंत्र की अगर कोई प्रक्रिया हो रही है तो ईवीएम के पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। यह नकारात्मक राजनीति उन्हें ले डूबी है, तो मुझे लगता है जनता समझती है, जनता को ये बात स्पष्ट रहती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, समय का विषय रहता है। और अब कांग्रेस को ये नकारात्मक राजनीति छोड़कर सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ना चाहिए। केवल जाति की राजनीति, केवल बार बार आप उनको सपने दिखाएं और वो सपने पूरे नहीं हो, ये राजनीति अब नहीं चलेगी आगे इस देश में। सरोज जी, यहाँ पर एक चीज और, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का क्या फायदा इस बार के चुनाव में आप लोगों को मिला? क्योंकि क्या मुद्दे सारे गौण हो गए थे? क्या यही दो बातें थी जिसको लेकर बीजेपी को जनता ने वोट किया या फिर मोदी के चेहरे ने काम किया? देखिए, मोदी के चेहरे ने भी काम किया, इसका भी हमें फायदा मिला, और इसके साथ ही साथ आप किसी एक विषय को केवल नहीं कह सकते हैं कि हम केवल इस कारण चुनाव जीते। 5 साल में जो व्यक्तित्व कभी एक दिन भी देश से छुट्टी नहीं लेता है, अपने लिए अपना स्वयं का व्यक्तिगत जीवन जिसका एक दिन का भी ना रहा हो, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, मेहनत की पराकाष्ठा है, शायद उसके ऊपर कहीं कोई विषय नहीं बचता है, यह हर विषयों को देखा जाना चाहिए। और केवल एक मुद्दे के कारण हम चुनाव जीत रहे हैं, ये परिस्थितियां नहीं है। हर दिन एक नई जंग थी और उस जंग को जीतने की एक तरह से जुनून था, वो जुनून परिणाम में आज तब्दील हुआ है। और इस व्यक्तित्व के साथ साथ हमारे संगठन ने भी लगातार काम किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने लगातार काम किया है, और अभी आप छत्तीसगढ़ में परिणामों को देख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के जो परिणाम है आने के बाद में, जनता के बीच जिन्होंने जो वादा किया था वो वादा उन्हें पूरा होता नहीं दिखा, विश्वास कहीं ना कहीं डिगमगाया है, ये भी दिखाई देता है। सरोज जी, छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में जनता ने आप लोगों को सत्ता से बाहर किया, कांग्रेस को चुनाव बहुत कम सीटों पर आप लोग को लेकर आई। क्या आपको लगता है कि 4 महीने में ही जनता का मोह भंग हो गया कांग्रेस से, क्या ये बात हो सकती है? या केंद्र के लिए कुछ अलग मुद्दे होते हैं जिसके लिए चाहे छत्तीसगढ़ की हो या पूरे देश की जनता हो वो वोट करती है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग चीजें जरूर हैं। मैं इस बात के आपको स्वीकार करती हूँ कि दोनों मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन चंद महीने पहले जिस प्रदेश में कांग्रेस की बयार थी, हम एकदम ही बाहर हो रहे थे, वैसा क्या हुआ? इस विषय पर विचार कांग्रेस को करना चाहिए, यह हमारे विचार का विषय नहीं है, ये विषय तो कांग्रेस के सोचने का है। लेकिन 4 महीने पहले इन्होंने जनता को जो वादे किए थे, जिस जनता के वादे को इन्होंने पूरा करने की बात कही थी, वो वादे कहीं पूरे होते नहीं दिखते हैं। जो व्यक्तित्व को इन्होंने सामने लाया, बार बार उन्होंने अपने घोषणा पत्र की बात कही, ये तमाम विषय उन्हें कहीं ना कहीं बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है महासमुंद में, बीजेपी के चुन्नीलाल साहू आगे चल रहे हैं। तो जनादेश में इस वक्त बड़ी खबर, महासमुंद में कांग्रेस प्रत्याशी धनेंद्र साहू भी पीछे हो चुके हैं।
सरोज पांडे से हम बातचीत कर रहे हैं। सरोज जी, कुछ ऐसे मुद्दे रहे देश में, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, किसान एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर हमने यहाँ पर देखा, क्या किसानों की नाराजगी का फायदा आप लोगों को मिला, ये कहना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं किसी की नाराजगी और उसका फायदे की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो आपको ये बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि राजनीति करने के लिए किसी वर्ग को साथ लेकर अब नहीं चला जा सकता, चाहे वो अन्नदाता हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो गरीब हो। अभी तक वोट में तब्दील करने के लिए इस देश में राजनीति चलती रही, कभी जाति की बात हो जाती है तो कभी अन्नदाताओं के साथ में उनको भ्रम में रखा जाता है। पहली बार इस देश में एक मजबूत नेतृत्व ने इस बात की शुरुआत की है कि हम जो कहते हैं हम वो करते हैं, जो हम कहेंगे वो हम करेंगे, आपको कोई सब्ज बाग नहीं, यथार्थ के धरातल पर करेंगे। और अगर हमने 365 दिन आपके नाम किया है तो 365 दिन आपके लिए ही जिएंगे, ये इस बात का परिणाम है। देश के प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया, चाहे वो जनधन योजना की बात हो, भारत आयुष्मान योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, या लोगों को आवास देने की बात हो, तमाम विषयों पर हमने ईमानदारी से काम किया। अगर महिलाओं को गैस चूल्हे मिले तो लोगों को घर मिले। अन्नदाताओं के लिए हमने काम किया, युवाओं के लिए हम पर बार बार आक्रमण हुए कि हम उन्हें रोजगार नहीं दे रहे हैं, हमने इतनी बात कही। जिन बातों को हमने नहीं कहा उन बातों को हमारे साथ चिपकाने की कोशिश की गई, जो घटनाएं नहीं घटी उन घटनाओं को हमारे साथ में बार बार जोड़ने का प्रयास किया गया। जैसे राफेल का मुद्दा था, हमने 15 लाख रुपए तो आपके खाते में देने की बात कही, ऐसा कोई विषय कहीं पर नहीं था, फिर भी बार बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन विषयों को कहकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, सफल नहीं हो पाए, ये परिणाम ये बात को बताते हैं। और अब वो सफल नहीं हुए, इसके साथ ही साथ जो उन्होंने लगातार अपनी परंपरागत सीट पर काम किया वो परिणाम भी आज उनको मिल रहे हैं। जनता अब आपके साथ में धोखा खाने वाली नहीं है, ये बात तय हो चुका है। बिल्कुल सरोज जी, यहाँ जब हम डिबेट कर रहे हैं सुबह से लेकर, तो एक चीज कुछ देर पहले हमारे पैनल से निकल कर आई कि संविधान में ऐसी परंपरा है कि पहले आप चुनाव लड़िए, उसके बाद में आप दल का नेता चुनिए, उसके बाद में आप प्रधानमंत्री का नाम लीजिए, फिर बीजेपी मोदी के चेहरे को लेकर आगे चल रही है जिसका फायदा यहाँ पर जनता को मिला, क्यों ऐसा किया जाता है, ये सवाल भी यहाँ से उठा था, इस बारे में भी कुछ बताइए आप। नहीं, जब कोई व्यक्ति काम करेगा, जब कोई व्यक्तित्व जनता के बीच में विश्वास पैदा करेगा तो उस व्यक्तित्व के साथ में पूरा देश चलता है। और ये शुरुआत तो कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले भी की है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल को कांग्रेस पार्टी क्यों बोलती है? मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की स्थितियां आज हैं। बहुत सारी चीजें इतिहास में दर्ज हैं, उसको एक बार पलट कर कांग्रेस को देखना चाहिए कि उन्होंने कहां से शुरुआत करी, क्या किया। हम इस बात को मानते हैं हमारा संगठन मजबूत है, हम संगठन के साथ में हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी के कद का नेता, प्रधानमंत्री जी के चेहरे का आज हमारे पास में कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं है, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्तित्व अगर स्वीकार है, जनता अगर उसे स्वीकार करती है तो इसमें खुशी की बात है, इस पर प्रश्न चिन्ह कहाँ खड़ा होता है। बिल्कुल, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं सरोज जी, तो यहाँ पर किसानों के कर्ज माफी को लोगों ने काफी सराहा और उस पर विश्वास करके कांग्रेस को यहाँ पर सत्ता में बिठाया, लेकिन वही जब अगर हम केंद्र की राजनीति में बात करते हैं, 72,000 देने की बात राहुल गांधी करते हैं और तमाम बातें करते हैं, उसका असर यहाँ पर नतीजों में तब्दील होता नहीं दिखा, क्या ऐसी वजह है कि किसान एक जगह तो खुश होता है लेकिन क्या दूसरी जगह 72,000 मिलने का जो बात था क्या वो साइड हो गया, या राष्ट्र के जो मुद्दे थे वो प्रभावी हो गए? मैं मानती हूँ कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में केवल एक ही मुद्दा नहीं था, केवल किसानों का विषय नहीं था, बहुत से मुद्दे थे, और इन बहुत सारे मुद्दों में मुझे लगता है कि केवल किसानों की कर्ज माफी का विषय होता और हम कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव जीतती, ऐसा नहीं था। कुछ जगहों पर हम कमजोर पड़े थे जिन पर हमने चिंता करी, संगठन के तौर पर चिंता करी, और आज ये परिणाम बदल गए हैं। कांग्रेस ने इसके पहले भी लगातार जिन कामों को कहा वो उन्होंने कहा कि हमारा घोषणा पत्र बहुत अच्छा है लेकिन घोषणा पत्र पे अमल की अपेक्षा भी जनता करती है, वो अमल नहीं हो पाया, इसलिए आप अगर कोई नई बात उन्हें कहेंगे तो उस पर विश्वास नहीं जमेगा। 72,000 पर जनता का विश्वास नहीं आया।
सरोज जी, बीजेपी को जो हार मिली विधानसभा में, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया, सभी सीटों के उम्मीदवार बदले गए, नए चेहरे दिलाए गए, क्या आपको लगता है कि उन नए चेहरों के प्रति जनता ने विश्वास किया लोकसभा चुनाव में? इस समय की देश की राजनीति में केवल और केवल एक चेहरा है जिस पर जनता ने वोट किया, जिस पर जनता विश्वास करती है और जिस पर जनता चाहती है कि वो कुछ अच्छा करेंगे और उनका भविष्य अगर उज्जवल होगा तो वो केवल एक व्यक्तित्व के हाथ में है, वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उसी चेहरे पर हमने चुनाव लड़ा और 11 की 11 सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे थे। पूरे चुनाव में उन्होंने इस विषय को कहा कि आप मुझे वोट देंगे, आपका वोट सीधे मुझ तक पहुंचेगा। चलिए, ये एक अहम बात आपने कही सरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका करना चाहूंगा।